कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले दूध उत्पादों को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद उभर रहा है। यह उबाल गुजरात स्थित डेयरी ब्रांड अमूल के एक ट्वीट से हुई। अब क्या थी वो ट्वीट जिसके बाद राजनीति में उथल पुथल मच गया, इसको जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। दरअसल 5 अप्रैल को गुजरात के स्थित डेयरी ब्रांड अमूल ने अपने ट्विटर हैंडल से घोषणा की, दूध और दही के साथ ला ताजगी की एक नई लहर बेंगलुरु में आ रही है, अधिक जानकारी जल्द बता दी जाएगी, #launchalert। यह घोषणा ने कन्नड़ समर्थकों, संगठनों और विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने डर है कि कहीं कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF द्वारा तैयार कर्नाटक के स्थानीय ब्रांड जिसका नाम नंदिनी है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो विवाद किस बात का है, क्या अमूल के कर्नाटक में आने पर वाकई डरना चाहिए, आइए आपको हम इसके बारे में विस्तार समझाते हैं। विवाद पिछले साल शुरू हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर घोषणा की, अमूल और KMF यानी कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन मिलकर कर्नाटक के हर गाँव में एक प्राथमिक डेयरी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे। इस बयान गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल को नंदिनी के साथ मिलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। आपको बता दें KMF कर्नाटक में 25 लाख से ज़्यादा किसानों को आजीविका प्रदान करता है। ऐसे में अमित शाह का बयान के बाद #SaveNandini अभियान शुरू कर दिया गया। इस आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री बसौर राज बोम्बई ने अपने बयान में कहा कि नंदिनी हमेशा अपने अलग पहचान बनाए रखेगी, नंदिनी का अमूल में विलय गलत कल्पना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता ने कहा, सामान्य व्यापार के लिए हमें बिंदुओं को नीचे लाने की आवश्यकता होगी, वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है, बेंगलुरु में अमूल का आधुनिक व्यापार प्रवेश 6 महीनों बाद होगा। कर्नाटक के विपक्ष का कहना है कि सत्तारूढ़ BJP सरकार ने आश्वासन दिया है कि नंदिनी का अमूल में कोई विलय नहीं होने जा रहा है, लेकिन 5 अप्रैल को अमूल की घोषणा के बाद कन्नड़ समर्थक संगठनों ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। 10 अप्रैल को कर्नाटक रक्षण वेदिकी ने कर्नाटक में अमूल की बिक्री का विरोध करने और नंदिनी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सोमवार को हासन में एक नंदिनी मिल्क पार्लर का दौरा किया और देसी ब्रांड का समर्थन करने के लिए कई दुग्ध उत्पाद खरीदे। उन्होंने कहा, 8 अप्रैल को कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने लोगों से कहा है कि सभी कंडिगों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, राज्य की सीमाओं के भीतर घुसपैठ करके हिंदी को थोपने और भूमि राजद्रोह के अलावा अब BJP सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF को बंद करके किसानों के साथ विश्वघात करने जा रही है, जो कि किसानों और उनके परिवार की आजीविका है। यहां तक कि जनता दल या दूसरे नंबर के नेता HD कुमार स्वामी ने भी इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमूल नंदिनी को बाधित करने के लिए बेताब है। कुमार स्वामी ने BJP सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट्स के सीरीज में कहा, अब कंडिगो का जीवन रेखा नंदिनी को खत्म करने की तीसरी साजिश है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 भूखंड नंदिनी का अमूल के साथ विलय और कर्ड के बजाय हिंदी शब्द दही का छापना दोनों कंडिगाओं के कड़े विरोध का कारण विफल रहे। हालांकि उन्होंने आगे कहा, अमूल के जरिए केंद्र सरकार तीसरा साजिश को सफल बनाने जा रही है। इसके अलावा बृहत बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष PC राव ने बेंगलुरु मिरर को बताया कि अमूल के विरोध में बेंगलुरु शहर के होटल स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि रोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस पर मुद्दे के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने कहा, अमूल के संबंध में हमारे पास पूर्ण स्पष्टता है, नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है, यह कर्नाटक तक सीमित नहीं है, हमने अन्य राज्यों में भी नंदिनी को एक ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने दावा किया कि BJP सरकार में राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है और दुग्ध उत्पादन उत्पादकों को प्रोत्साहन भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 भूखंड नंदिनी का अमूल के साथ विलय और कर्ड के बजाय हिंदी शब्द दही का छापना दोनों कंडिगाओं के कड़े विरोध का कारण विफल रहे। हालांकि उन्होंने आगे कहा, अमूल के जरिए केंद्र सरकार तीसरा साजिश को सफल बनाने जा रही है। इसके अलावा बृहत बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष PC राव ने बेंगलुरु मिरर को बताया कि अमूल के विरोध में बेंगलुरु शहर के होटल स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि रोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस पर मुद्दे के राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई ने कहा, अमूल के संबंध में हमारे पास पूर्ण स्पष्टता है, नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है, यह कर्नाटक तक सीमित नहीं है, हमने अन्य राज्यों में भी नंदिनी को एक ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाया है।
जबकि अमूल और नंदनी दोनों दूध उत्पाद जिप्टो और ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी ऐप पर उपलब्ध हैं। दोनों के बीच कीमतों में स्पष्ट अंतर है, जहां नंदनी के टोन दूध की कीमत 39 रुपये प्रति लीटर है, वहीं अमूल इसे 54 रुपये में बेच रहा है। अमूल का आधा लीटर दही की कीमत 30 रुपये है, जबकि नंदनी 24 रुपये में बेच रही है। कीमतों के अंतर के बावजूद ये देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों ब्रांड सह अस्तित्व में रह सकते हैं या नंदनी को अमूल के साथ विलय के लिए मजबूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।